ओके सो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो है पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर्स की पार्ट्स। सो हम लोग एक हेडिंग बनाते हैं और लिखते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। पार्ट्स ऑफ फ्लावर। सबसे पहले एक बच्चों जैसा ही क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लावर? कोई कहेगा व्हाट इज फ्लावर? ऋतुजा आप बताओगे? आप बताओ, बता पाओगे व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज द मॉडिफाइड स्टेम। एक ही लैंग्वेज में कहते हैं फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है, इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ये भी कह सकते हो। इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, इट इज आई मीन यू नो ए कॉम्पोनेंट ऑफ द प्लांट विच अट्रैक्ट द इंसेक्ट। सो इस तरह का बहुत सारे चीज हम कर सकते हैं। बाय द वे, इसको करते हुए एक चीज हम लोग थोड़ा सा जनरल नॉलेज की भी बात करते हैं। स्मॉलेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड, अब कौन आया? हंडे, क्या रे हंडे, अचानक से लिंक मिला क्या? हेलो, एक खेतरे हंडे को बोल दो। स्मॉलेस्ट, मैं बोलूंगा तो जवाब नहीं देगा, तू बोलेगा तो जवाब देगा। तेरे को अचानक क्या क्या अच्छा, तो तुम दोनों वीडियो क्यों नहीं देखा? वीडियो जो अपलोड किया था उसको आप देखा? खाली क्या पिक्चर देखने जैसा देखा? उसको नोट्स क्यों नहीं बनाया? एवरी स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट, आप नोट्स बनाओ इस वीडियो का, तब आपको पढ़ाई सही में आएगा। स्मॉलेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड वुल्फिया। इसको क्या कहते हैं? वुल्फिया, डब्ल्यू ओ एल, देखो स्पेलिंग को देखो, डबल एफ आई ए, वुल्फिया। वुल्फिया को डक वीड भी कहते हैं। आप अगर गूगल में चला के देखोगे तो इसकी पिक्चर आपको दिखेगा। हर पिक्चर दिखाना संभव तो नहीं है, आप खुद ब खुद चला के एक बार देख लेना। स्मॉलेस्ट फ्लावर इज वुल्फिया। लार्जेस्ट फ्लावर, लार्जेस्ट फ्लावर, इसको कहते हैं रफ्लेशिया। रफ्लेशिया स्पीसीज की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जेनस की बात कर रहा हूं। अगर आप गूगल में चला के फोटो देखो रफ्लेशिया को, तो आपको पता चलेगा इस फ्लावर को डायामीटर होता है 1 मीटर, 3.5 फीट का डायामीटर होता है इसका। समझ में आया? इसकी डायामीटर है 3.5 फीट का। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टेम, इट इज हाईली कॉन्डेंस्ड शूट, बहुत ही कॉन्डेंस्ड है, कॉन्डेंस्ड पार्ट ऑफ द शूट है। इट इज अ गैमेटोफाइटिक पार्ट ऑफ द प्लांट, इसमें होता है गैमेटोफाइटिक एक्चुअली। सो इट इज the place for gametophytic stage of plant। इसी प्लांट में गैमेटोफाइटिक का स्टेज होते हैं।
जैसे हम जानते हैं कि एल्गी में, ब्रायोफाइटा में क्या होता है, गैमेटोफाइटिक इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट और स्पोरोफाइटिक उस पर डिपेंडेंट है। उसके बाद धीरे धीरे हमने टेरिडोफाइटों में आके देखा कि स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी और फिर गैमेटोफाइट उसमें डिपेंडेंट है। और पूरी तरह जो अगर हम एंजियोस्पर्म में आएंगे, जैसे फ्लावरिंग प्लांट में, तो हम देखेंगे गैमेटोफाइट इज वेरी मच रिड्यूस्ड। सो उसका प्लेस कहाँ है? फ्लावर इज द प्लेस फॉर दिस गैमेटोफाइटिक स्टेज। अब हम लोग आते हैं, एक एक करके बात करेंगे, उसी कल का क्लास का थोड़ा सा कंटिन्यूएशन। अगर आपने कल का लेक्चर देखा है तो थोड़ा सा कंटिन्यूएशन। दिस फ्लावर डेवलप्स ऑन एन एक्सिस, दिस इज कॉल्ड मदर एक्सिस। फ्लावर डेवलप्स ऑन एन एक्सिस, दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज मदर एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? मदर एक्सिस कहते हैं। क्लियर है? क्लियर क्लियर, समझ में आ रहा है? मदर एक्सिस, इस मदर एक्सिस का नाम क्या है, कौन बताएगा? मदर एक्सिस का नाम ऋतुजा, बताओ क्या है नाम? मदर एक्सिस का नाम क्या है? क्या नाम लिखा मैंने? पेडंकल। मदर एक्सिस का नाम है पेडंकल। ओवर द पेडंकल देयर इज अ, यू नो, देयर इज अ पोर्शन, देयर इज अ पोर्शन दैट होल्ड द फ्लावर, पोर्शन दैट होल्ड द फ्लावर। अब इस कंडीशन में फ्लावर को होल्ड करेंगे, इट इज ऑफ टू टाइप, टू टाइप, तो दो टाइप के होंगे, दो नाम भी होंगे। मैं एक छोटा सा पिक्चर ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपकी पेडंकल है, मदर एक्सिस। इसी पेडंकल के ऊपर आपकी एक टाइप की एक्सिस है, ये छोटा सा, दिस इज अ एक्सिस वन, हम लोग नाम देते हैं इसका, नाम देते हैं क्या? एक्सिस वन। और दूसरी टाइप की पेडंकल है, ये टाइप की पेडंकल है, और इस पर एक एक्सिस आते हैं, वो इस टाइप का, ये दो टाइप की, तो इसका नाम देते हैं एक्सिस टू। अब हम लोग देखेंगे एक्सिस वन को हम लोग क्या कहेंगे। एक्सिस वन, एक्सिस मतलब क्या? टॉप मोस्ट पोजीशन, यानी कि टिप, उसको एक्सिस कहते हैं। तो एक्सिस वन को हम लोग कहेंगे, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड थैलमस। और एक्सिस टू को क्या कहेंगे, कोई बताएगा? एक्सिस टू को हम लोग क्या कहेंगे? रिसेप्टेकल। एक्सिस टू को कहेंगे रिसेप्टेकल, यानी कि फ्लैट टाइप का अगर एक्सिस है जो कि फ्लावर को होल्ड करते हैं, उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? रिसेप्टेकल। अगर वो फ्लैट नहीं है, इसी तरह छोटा मोटा, हाँ, ये रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल में भी, हाँ, ये भी एक वर्ड है, वेरी गुड वर्ड है। कैपिट्यूलम भी कहेंगे हम उसको, कैपिट्यूलम भी कह सकते हैं, रिसेप्टेकल। देखो, थैलामस हो, रिसेप्टेकल हो, या पूरी तरह फ्लैट हो, तो इसको कैपिट्यूलम, कल हमने सीखा है कैपिट्यूलम। ये कोई अलग चीज नहीं है, रिसेप्टेकल इज अ होल थिंग। ये रिसेप्टेकल जो है, ये पूरी पूरी को पूरी के रिसेप्टेकल ही कहेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? मैं इसको लिख देता हूं, अगर आपने नाम बता ही दिया है तो
तो मैं कहता हूँ ये दो सबके सब रिसेप्टकल है, एक्सिस 1 भी रिसेप्टकल है, एक्सिस 2 भी रिसेप्टकल है, लेकिन किसी किसी बुक में किसी किसी जगह में फ्लैट टाइप को रिसेप्टकल कहते हैं। ये बेसिकली होल्ड दी फ्लावर, लेकिन अगर जनरली अगर ये पूरी तरह फ्लैट नहीं है, समवट राउंड है, छोटा सा है, तो इस कंडीशन में हम उसको थैलमस कहेंगे कंफर्म। अगर ये फ्लैट है, फ्लैट टाइप का है, तो हम इसको कैपिट्यूलम कहेंगे, कैपिट्यूलम। ये रिसेप्टकल हो कैपिट्यूलम हो, इसका मतलब है हेड, इसका मतलब है हेड। अब हम चलेंगे कि पेडंकल से थोड़ा आगे चलेंगे। नाउ पेडंकल, लेट अस लुक एट दिस पार्ट। ओवर द पेडंकल, ओवर पेडंकल देयर इज अ स्टॉक, स्टॉक प्रेजेंट दैट होल्ड द फ्लावर, स्टॉक प्रेजेंट दैट होल्ड द फ्लावर। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पेडिसल। ठीक है, इसको कहेंगे पेडिसल। सो थैलामस एक्चुअली क्या है? थैलामस इज अ सोलेन पार्ट, ठीक है, इट्स अ सोलेन पार्ट दैट होल्ड द फ्लावर। नाउ पेडंकल कैन ऑल्सो हैव द फ्लावर, कैन होल्ड द फ्लावर। पेडंकल कैन होल्ड द फ्लावर टू, ये भी फ्लावर को होल्ड कर सकते। सो अगर हम पेडंकल की बात करें, इस टाइप की पेडंकल की बात करें, सपोज इसी जगह है पेडंकल, अब इस जगह से फिर फ्लावर का स्टॉक निकलते हैं और इसी जगह पे थैलामस होगा, फिर थैलामस के ऊपर आपकी फ्लावर बनेंगे इस टाइप की। सो ये है आपकी मदर एक्सिस यानी कि पेडंकल, ये है आपकी पेडेसिल पेडिसल, फिर ये होगा आपका थैलामस, एंड देन देयर विल बी द फ्लावर। ये आपकी कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। अदरवाइज ये फ्लावर यहां पर ही भी ग्रो हो सकते हैं। लेट अस लुक एट दिस पॉइंट ऑल्सो, ठीक है, इसी इस टाइप का भी फ्लावर ग्रो हो सकते हैं, यहां पर ही भी फ्लावर इस टाइप की ग्रो हो सकते हैं। सो दिस इस टाइप का भी फ्लावर ग्रो हो सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट पेडिसिल के ऊपर फ्लावर ग्रो हो सकते हैं, या तो पेडिसिल पेडंकल के ऊपर पेडिसिल होगा, पेडिसिल के ऊपर थैलामस होगा। तो इस कंडीशन में ये थैलामस हो जाएगा, इस कंडीशन में थैलामस यहां पर ही हो जाएगा। एम आई क्लियर? देन नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म्स जो कि जानना बहुत जरूरी है। देखो आज की क्लास में हम आपको पूरी तरह हर एक टर्म से हम आपको परिचित करवाएंगे। ओके, सो द थिंग इज दैट नेक्स्ट इज कॉल्ड एज ब्रैक्ट। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका लास्ट में फ्लोरल फॉर्मूला की बात आ गया। जब फ्लोरल फॉर्मूला की बात आएंगे तब ये सारे टर्म्स जो है इसके साथ और भी कुछ ऐड होंगे तो वो आपको काम में आएंगे समझने के लिए। ब्रैक्ट क्या है? इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर
हार्डनेस इंक्रीज। एट द एंड ऑफ पेडिसिल, पेडिसिल हो सकता है, एट द एंड ऑफ द थैलामस आप बात करो, और ओवर द थैलामस बोलना भी बेटर है, ठीक है। नाउ ये एक वर्ल्ड है ब्रैक, ये इसका एक वर्ल्ड है, इट इज अ वर्ल्ड, ये नया वर्ड आ रहा हूं, इट इज अ वर्ल्ड दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर, कवर्स एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर, इट इज ग्रीन यूजुअली, इट इज ग्रीन इन जनरल, ठीक है। इसकी अगर हम लोग पिक्चर करेंगे तो सपोज दिस इज दी थैलमस, इसके ऊपर आपकी फ्लावर्स है, इसके ऊपर फ्लावर्स है, ठीक है। अब इसके जो नीचे है इस टाइप की लीफ लाइक आपको ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। सो इसको देखने में ऐसा होता है कि फ्लावर का नीचे एक ग्रीन टाइप का है, सो दिस इज कॉल्ड एज द ब्रैक्ट, इसको ब्रैक्ट कहते हैं। कल भी मैंने बताया था ब्रैक्ट इस टाइप का भी हो सकते हैं, इस टाइप का भी ब्रैक्ट हो सकते हैं, राइट। एंड इसके अंदर में आपकी थैलामस है, एंड दी ब्रैक्ट विल होल्ड दी फ्लावर इन दिस वे, ये भी आपकी ब्रैक्ट है। लेकिन इस कंडीशन में ब्रैक्ट के नीचे फिर एक छोटा सा लीफ लाइक इसकी स्ट्रक्चर ऐसे निकलेंगे। नाउ दिस इज कॉल्ड एज ई, दिस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ब्रैक्ट इसमें है, राइट। दिस इज एन एक्स्ट्रा ब्रैक्ट और माइन्यूट ब्रैक्ट आप कह सकते हो, जरूरी नहीं है हर एक फ्लावर में ब्रैक्ट हो। सो द फ्लावर एक्स्ट्रा ब्रैक्ट, इसको लिख देते हैं एक्स्ट्रा ब्रैक्ट। सो फ्लावर कैन बी ब्रैक्टेट, यानी कि जिस फ्लावर में ब्रैक्ट है, और द फ्लावर्स मे नॉट हैव ब्रैक्ट, उसको कहेंगे ई ब्रैक्टेड फ्लावर। क्या कहेंगे? ई ब्रैक्टेड फ्लावर कहेंगे, ठीक। यानी कि ब्रैक्ट नहीं है, डू यू अंडरस्टैंड। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे फ्लावर की सिमेट्री का, सिमेट्री, सिमेट्री मतलब अगर हम फ्लावर को काटेंगे कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से तो कैसे दिखेगा, फ्लावर सिमेट्री। फ्लावर की सिमेट्री दो टाइप की हो सकते हैं, ये सारे पॉइंट जो है फ्लोरल फॉर्मूला में हम लोगों को काम आएंगे। एक हो गया असिमेट्रिकल, और दूसरा हो गया सिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल का मतलब क्या है? फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हब्स, लिखेंगे फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू टू
इक्वल हब। सो एक फ्लावर को आप कभी भी इक्वल हाफ में आप डिवाइड कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसको कहेंगे एसिमेट्रिकल। जैसे जिस एक फ्लावर, दो फ्लावर का एग्जाम्पल लेता हूं, कैसिया बोल के फ्लावर है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। काना, काना बोल के फ्लावर है, ये टाइप का फ्लावर को आप कभी भी एक दो इक्वल हिस्से में डिवाइड कर ही नहीं सकते, कहीं ना कहीं कम होगा, कहीं इसको ज्यादा होगा, ठीक है। और सिमेट्रिकल में फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड इन टू इक्वल हब्स। फ्लावर कैन बी डिवाइडेड एज टू इक्वल हब्स, ठीक है, सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल में भी दो टाइप हो सकते हैं, एक एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक, एंड सेकेंड इज जाइगोमॉर्फिक। एक है एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरा है जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होगा, फ्लावर जो है रेडियली सिमेट्रिकल, फ्लावर्स आर रेडियली सिमेट्रिकल। नाउ रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब है फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड इन टू इक्वल हाफ ऑन एनी प्लेन, किसी भी तरह से काटो, किसी भी तरह से उसको डिवाइड करो, तो वो फ्लावर आपको हर एक एंगल से दो इक्वल हिस्से में डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन दूसरी क्या है, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड ओनली ऑन वन प्लेन, कोई भी एक एक्सिस पे, कोई भी एक एक्सिस पे आप इसको दो हिस्से में, इक्वल हिस्से में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। सपोज मैं कैसे एक हिस्से में, मैं आपको एक जूलॉजी के एग्जांपल लेके बताता हूं, तब आपको आपको समझ में आएगा। जूलॉजी के एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। सपोज ये आपकी, ये आपका मछली है। अब आप देखो, इस मछली को अगर आप इस हिस्से से काटोगे तो ये इक्वल हब नहीं हुआ, इधर पर ही आपकी हेड आ गया और इधर पर ही आपकी टेल आ गया, इक्वल हब नहीं हुआ। इसको आप सिर्फ एक, कोई भी एक प्लेन से हाफ करो तो इधर भी आधा हेड है, इधर भी आधा टेल है, इधर भी आधा हेड है, इधर भी आधा टेल है। एग्जैक्टली ये एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि इस टाइप का कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेन से आप फ्लावर्स को इक्वली दो हाफ में डिवाइड कर सकते हो, और इसको कहते हैं जाइगो मॉर्फिक। क्या कहते हैं, जाइगो मॉर्फिक। हेलो हेलो, मेरी बात कोई समझ रहे हो?
हाँ, तो जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या है? जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या है? यस, या तो जैसे एक्टिनोमॉर्फिक को एक सिंबल से इंडिकेट किया जाता है, ये है एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल। इसका मतलब है इधर से काटो चाहे इधर से काटो, किसी भी एंगल से काटो, ये इक्वल दो हाफ में डिवाइड होगा। इसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, ये सिंबल्स है। जाइगोमॉर्फिक का सिंबल्स है ये परसेंटेज टाइप का, यानी कोई भी एक इक्वल एक एक्सिस पे ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। होप अब यू अंडरस्टैंड, कोई भी एक प्लेन पे ये दो इक्वल हाफ पे डिवाइड होगा। ये परसेंटेज का जैसे सिंबल आते हैं, ये आपकी जाइगोमॉर्फिक का सिंबल होगा। द नेक्स्ट पार्ट वी विल डू दैट, फ्लावर की सेक्स के हिसाब से उसको हम किस तरह से डिवाइड करें और उसके टर्म क्या है। ये एक ऐसा पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए, हमेशा ये कंफ्यूजन वाला ही रहता है। इट ऑलवेज बिगिंस द कंफ्यूजन पार्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो चलिए हम इसको देखेंगे, ये कौन सा पार्ट है। ओके Oh yes, miss. Now understood. It will be the energy will increase. सो इस एज पर द रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, तो रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू ये हम कैसे हम लोग बात करेंगे, लेट अस सी ओवर दिस। ठीक है, दिस इज वन इज कॉल्ड एज नाउ यूनिसेक्सुअल। यूनि सेक्सुअल फ्लावर और इट कुड बी बाई सेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अच्छा, इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा टर्म्स में मैं आपको लेता हूं, बिकॉज द व्हाट आर द होल्स, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ठीक है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, तो उसको पहले हम लोग इस एग्जैक्टली मिडिल पोजीशन पे हम लोग लिखेंगे। फ्लावर के दो वोल्ड्स है, यानी कि स्ट्रक्चर। फ्लावर हैज टू वोल्ड्स, वोल्ड्स का मतलब है स्ट्रक्चर। ये किस टाइप की है? नंबर वन इसको कहते हैं एसेसरी वोल्ड्स, ओके। एसेसरी वोल्ड्स एंड एसेसरी वोल्ड्स का और भी नाम है, एसेसरी वोल्ड्स को हेल्पिंग स्ट्रक्चर या हेल्पिंग वोल्ड इस तरह का कह सकते हैं, हेल्पिंग वोल्ड, और सेकेंडरी वोल्ड भी कह सकते हैं इसको, सेकेंडरी वोल्ड। और दूसरा जो वोल्ड है, दूसरी वर्ल्ड का नाम है प्राइमरी वर्ल्ड, और पहले लिखेंगे एसेंशियल वर्ल्ड, एसेंशियल वर्ल्ड, एसेंशियल वर्ल्ड को
प्राइमरी वर्ल्ड भी कहते हैं, प्राइमरी वर्ल्ड और स्ट्रक्चर। नाउ एक्सेसरी वर्ल्ड पे क्या क्या आता है, आते हैं? एक्सेसरी वर्ल्ड पे दो स्ट्रक्चर आते हैं, इसमें टू वर्ल्ड है। एक्सेसरी वर्ल्ड का टू वर्ल्ड है, टू वर्ल्ड कौन सा? एक्सेसरी पार्ट्स और एक्सेसरी स्ट्रक्चर का टू वर्ल्ड होते हैं। एक बार और, फ्लावर का दो वर्ल्ड यानी कि दो टाइप के स्ट्रक्चर है, एक एक्सेसरी स्ट्रक्चर और दूसरा है एसेंशियल स्ट्रक्चर। एक्सेसरी स्ट्रक्चर में दो वर्ल्ड आते हैं यानी कि फिर भी दो स्ट्रक्चर आते हैं। वर्ल्ड मतलब स्ट्रक्चर, तो दो स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर है? पहला स्ट्रक्चर को कहते हैं कैलिक्स, इसको कहते हैं कैलिक्स। एंड सेकेंड वर्ल्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं कोरोला, इसको क्या कहते हैं? कोरोला, ठीक है, कोरोला। और एसेंशियल वर्ल्ड का दो स्ट्रक्चर होते हैं, एसेंशियल वर्ल्ड का दो स्ट्रक्चर होते हैं यानी कि इसका सब वर्ल्ड आप कह सकते हो। वन इट इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम, एंड्रोशियम यानी कि ये मेल पार्ट है, मेल पार्ट है। दूसरा इसको कहते हैं गाइनेशियम, क्या कहते हैं इसको? गाइनेशियम। गाइनेशियम, गाइनेशियम ऑब्वियसली फीमेल स्ट्रक्चर ही होगा, है ना? गाइनेशियम फीमेल स्ट्रक्चर होगा, एंड्रेशियम मेल स्ट्रक्चर, गाइनेशियम फीमेल स्ट्रक्चर। सो देर आर टू वर्ल्ड एसेसरी में, एसेसरी में टू वर्ल्ड है, कैलिक्स एंड रोला। और एसेंशियल वर्ल्ड में दो स्ट्रक्चर है, एंड्रेशियम एंड गाइनेशियम। सी एसेंशियल वर्ल्ड इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। और एसेसरी जो है ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। ठीक है, अब इसको तो हम लोग समझ गए। अभी जो कैलिक्स है, कोरोला है, इसका नाम क्या है, वो क्या है, वो हम बात करेंगे, ठीक है? फिलहाल आप कैलिक्स एंड कोरोला याद करो, उसके बाद इसकी कॉमन नेम जो है वो हम लोग बात करेंगे। अब हम क्या बता रहे थे, हम लोग बता रहे थे यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाईसेक्सुअल फ्लावर, ये दो टाइप की फ्लावर को हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग देखेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड दी बाईसेक्सुअल फ्लावर क्या एक्चुअली है। सो लेट अस लुक एट दिस पार्ट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। When the flower possesses only one essential world, when the flower contains only one एसेंशियल वर्ल्ड, वन एसेंशियल वर्ल्ड, सो उसको हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल। अब वन एसेंशियल वर्ल्ड में क्या हो सकता है? ओनली मेल और ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। गौर से समझना, जब ये कंडीशन आता है तब हम किसकी बात कर रहे हैं?
हम फ्लावर की बात कर रहे हैं, गौर से समझा, हम फ्लावर की बात कर रहे हैं, हम प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग द प्लांट, वी आर टॉकिंग ओनली फ्लावर। एक फ्लावर है जिसमें या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिसेक्सुअल। आई रिपीट स्टूडेंट, जब हम यूनिसेक्सुअल की बात कर रहे हैं, इसमें फ्लावर वर्ड जुड़ा हुआ है, इसमें फ्लावर जुड़ा हुआ है, यानी कि हम बात कर रहे हैं एक सिंगल फ्लावर का जिसमें या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा, या तो एंड्रोशियम होगा या तो गाइनेशियम होगा, ठीक है, या तो पोलेन प्रोड्यूस करेगा या तो फ्रूट ऑनली प्रोड्यूस करेगा, यानी कि ओवरी होगा। सो ओनली वन पार्ट ऑफ दी वन वर्ल्ड ऑफ दी फ्लावर इज प्रेजेंट, या तो मेल और ओनली फीमेल। सो दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसमें हम ये जानेंगे कि मेल फ्लावर अगर, मेल पार्ट अगर होगा, ठीक है, अगर ओनली मेल पार्ट है, तो दिस इस फ्लावर को क्या कहते हैं? दिस काइंड ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, दिस काइंड ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड स्टैमिनेट फ्लावर, कहते हैं इसको स्टैमिनेट फ्लावर, स्टैमिनेट फ्लावर। वर्ड से, इस टर्म से हमें दो लेसन मिलता है। वी गॉट टू लेसन, व्हाट मेल पार्ट इज कॉल्ड एज स्टैमिना, ठीक है, मेल पार्ट इज कॉल्ड एज स्टैमिन। सो मेल पार्ट, ये वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, मे बी ड्यू टू दी नेटवर्क। अच्छा, मैं कोशिश कर, ब्रेकिंग ना, मे बी ड्यू टू दी नेटवर्क। नाउ यू कैन सी मेल पार्ट इज कॉल्ड स्टैमेन, फ्लावर का मेल पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज स्टैमेन। क्या कहते हैं इसको? स्टैमेन। डू यू अंडरस्टैंड? सो मेल पार्ट इज कॉल्ड एज स्टैमेन। सो जिस फ्लावर में ओनली स्टैमेन होगा उसको कहेंगे स्टैमिनेट फ्लावर, और जिस फ्लावर में ओनली फीमेल पार्ट होगा, सो दिस काइंड ऑफ फ्लावर, दिस काइंड ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिलेट फ्लावर। क्या कहते हैं? पिस्टिलेट, पिस्टिलेट फ्लावर। तो पिस्टिलेट फ्लावर, इसमें हमें दो लेशन मिलता है। इसका मतलब है फीमेल पार्ट इज कॉल्ड एज पिस्टील। सो फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है उसको कहते हैं पिस्टील। सो वी गेट टू लेशंस ओवर हेयर, मेल पार्ट इज कॉल्ड स्टैमेन, एंड इफ द फ्लावर कंटेन्स ओनली स्टैमेन, द फ्लावर इज कॉल्ड स्टैमिनेट फ्लावर। फीमेल पार्ट इज कॉल्ड एज पिस्टील, एंड इफ द फ्लावर इज कंटेन ओनली पिस्टील, इट इज कॉल्ड एज पिस्टिलेट फ्लावर। आज के क्लास यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं, हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे। वीडियो देखते रहना और बार बार देखना, नोट्स बनाना। थैंक यू स्टूडेंट।